नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये वामपंथी, ये कम्युनिस्ट, ये बहुत ही विचित्र किस्म के प्राणी हैं। ये जिस देश में होते हैं, जहां का खाते हैं, वहीं पे वो छेद कर देते हैं। माने गद्दारी, अपने मुल्क से गद्दारी करना इनके डीएनए में है। और जिन जिन देशों में ये जरा सा भी सत्ता के नजदीक आते हैं, कैसे वो उस मुल्क को ही चीन का गुलाम बना देते हैं, इसका ताजा एग्जाम्पल नेपाल से बेहतर कोई नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अचानक से जो चाइनीज मीडिया है, जो वहां की सरकारी एजेंसी है, उसने घोषणा कर दी कि माउंट एवरेस्ट चीन का हिस्सा है। मैं पहले आपको दिखाता हूं कि चाइनीज टेलीविजन ने क्या ट्वीट किया। अब इस ट्वीट में कुल मिलाकर के 4 तस्वीरें हैं, और ये जो 4 तस्वीरें हैं, इसे चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, ये सरकारी टीवी चैनल है वहां का, और इन्होंने डाल दिया। और उसमें क्या लिखा, माउंट चोमोलांगमा, वो लोग चाइना में चोमोलांगमा कहते हैं, पर सूर्य की रोशनी का नज़ारा, दुनिया की यह सबसे ऊंची चोटी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन क्या है, तो वो चीन का एक अटूट हिस्सा है चाइनीज के द्वारा, हालांकि वो हड़पी हुई जमीन है। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से चीन ने इसे डिक्लेयर कर दिया, और 4-5 दिन से बवाल चल रहा है। लेकिन चिंताजनक स्थिति तो नेपाल को लेकर के है। चीन की सरकारी एजेंसी ने माउंट एवरेस्ट को अपना हिस्सा बता दिया, और नेपाल के हुक्मरानों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये कहते हैं गुलामी। वो क्यों नहीं निकला, क्योंकि वहां पे जो सरकार है अभी, वहां पे वामपंथियों की सरकार है, और नाना प्रकार के वामपंथी है नेपाल में। छोटा सा मुल्क है, लेकिन 7-8 किस्म के वहाँ पे वामपंथी पार्टियाँ वहाँ पे एक्टिव है। और अभी जो सरकार में है, तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यूनाइटेड है, तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी माओस्ट, ये सब बंदूक बंदूक उठा करके नेपाली बेचारे भोले भाले नेपालियों के ऊपर जो है, इन लोगों ने गोली बंदूक लगा करके किसी तरीके से, जो कह सकते हैं कि बैकडोर से ब्लैकमेल करके, ये लोग वहाँ पे सत्ता पे काबिज हुए हैं, और इनके घर में चाइना घुस गया। एवरेस्ट को उन्होंने अपना टेरिटरी बता दिया, और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। कोई दूसरी पार्टी होती नॉन कम्युनिस्ट, तो कम से कम चाइना के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराती, और ये क्या करने लग गए, ये भीख मांगने लग गए। जो नेपाल की सरकार जो है, वो गिड़गिड़ाने लग गई चाइना के सामने कि ऐसा मत करो, नहीं तो हमारी बहुत किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि नेपाल के लोग, वो उनके लिए तो ये सागर माथा माउंटेन है, और उनके लिए जो है नेपाल के लिए सबसे बड़ा फक्र का विषय है। वो टोटली बिना किसी इधर उधर के, वो नेपाल का एक अटूट हिस्सा है, ये पूरी दुनिया मानती है। लेकिन विवाद इसलिए हो गया क्योंकि अभी जो नेपाल की जो सरकार है, उसके जो इष्ट देवता हैं माओ, तो माओवादियों की सरकार है ना वहां, तो जो माओ है, माओ ने वो उसको कह सकते हैं कि कुटिल चाल जो है 1960s में चल दी थी। बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे ये जो है वो वामपंथियों के साथ दिक्कत क्या है, जब तक ये दूसरे की चीज़ को हड़पते नहीं हैं, अधिकार माने दूसरे की को छीनते नहीं हैं, दूसरे को जब तक वो कष्ट नहीं पहुँचाते हैं, तब तक इनको चैन नहीं मिलता है। तो उन्होंने वहाँ पर बातचीत की थी और डिक्लेयर कर दिया था कि जो माउंट एवरेस्ट का जो हिस्सा है, उसका जो सदन हिस्सा है वो नेपाल में, और नदन हिस्सा जो है वो चीन में। अब ये समझ लीजिए, ये कितने बड़े गुनहगार लोग हैं। चीन का वो हिस्सा भी नहीं है, वो तिब्बत को कब्जे कर रखा हुआ है चाइनीज ने, लेकिन फिर भी वो रेवोल्यूशन चल रहा है ना। ये देखिए किस तरह से जंगल में छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, कल इनके पास सत्ता आ जाएगी, ये सब कुछ पूरे हिंदुस्तान को चाइना के हवाले कर देंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब चाइना, जो ये जो नक्सली मूवमेंट जब हिंदुस्तान में चल रहा था अर्ली 70s में, तो यही नक्सली, ये वामपंथी, ये चिल्लाते थे चाइना द चेयरमैन, अमादो चेयरमैन, माओ को अपना ये चेयरमैन बताते थे। तो ये नेपाली जो है अभी भी वो माओ बताते हैं। तो उस दौरान क्या हुआ, उन्होंने तो कह दिया कि हालांकि वो पूरा किसके पास है, वो नेपाल का हिस्सा है, लेकिन माओ ने जो है कह दिया कि इसका दो हिस्सा कर देंगे। अब यह आई गई बात हो गई, लेकिन इसके बाद किंग महेंद्र एक बार गए थे चाइना, जिन्होंने बहुत ही क्लियर कट ढंग से कहा था वहां पे, चाइना में जाकर के, चाइना की धरती पे जाकर के,
कि जो एवरेस्ट है ये पूरा का पूरा नेपाल का अभिन्न अंग है। तो वहां पे 1998 में माओ और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच क्या बातचीत हुई उसको उन्होंने छाप दिया। अब एक चीज समझ लीजिए कि माओ ने जो कह दिया, चाहे कितना भी घटिया बात क्यों नहीं हो, कितना ही मूर्खतापूर्ण बात क्यों नहीं हो, तो वो सारे कम्युनिस्ट के लिए फाइनल है। अभी नेपाल की जो सरकार है उसके लिए भी फाइनल है, वो उसका विरोध नहीं कर सकते। तो उसमें उन्होंने जो लिखा है उसको मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही पढ़ के सुनाता हूं आपको। इट कैन बी सॉल्व हाफ फॉर ईच साइड, द सदर्न पार्ट ऑफ योर्स एंड द नदर्न पार्ट इज आवर्स। और वामपंथी लोग कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, किसी को रिवॉल्वर सटा दो उसके गर्दन पे और उसके बाद कहो कि भाई ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्या लिखा हुआ है इसमें कि वी शैल नॉट कॉल इट एवरेस्ट, एवरेस्ट ही बुलाएंगे इसे, दैट वाज अ नेम गिवन बाय वेस्टर्नर्स, नदर शैल वी कॉल इट सागरमाथा। ये नेपाली लोग बुलाते हैं, ये नेपाली लोग, नेपाल के लोग बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट को वो सागरमाथा बुलाते हैं। तो माओ क्या कह रहा है कि भाई हम इसको ये नहीं बुलाएंगे, वी शैल नॉट कॉल इट कोमोलांगमा, लेट्स नेम इट माउंट सिनो चाइनीज फ्रेंडशिप। बरगलाने का तरीका देखिए वामपंथियों का, क्लासिक लोग हैं ये लोग। किसी की टेरिटरी छीन रहे हैं, किसी से माउंट एवरेस्ट छीन रहे हैं और बता रहे हैं कि ये फ्रेंड्स, इसका पीक का नाम जो माउंट एवरेस्ट का नाम जो है माउंट फ्रेंडशिप रख दो, इंडो साइनो नेपाल उसका जो है उसका नाम रख दो। और उसके बाद वो लिखते हैं, यू मे होल्ड एन इंटरनल मीटिंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड एयर योर सजेशन, इट मे बी पुट ऑफ फॉर सेटलमेंट इन द फ्यूचर इफ नो एग्रीमेंट इज रीच्ड। पेज नंबर 307 में ये छपा था 1998 में इस मैगजीन में। अब आप समझिए किस तरह से उन्होंने धमकी भी दी और माओ द ग्रेट आप देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा। अब इसका कहना ये है, इस पूरे उसका मूल सार ये है कि ये हमने फैसला कर दिया, माओ जो है वो फैसला उन्होंने कर दिया कि इसका आधा आधा हम कर देंगे और ये क्वेश्चन जो है आप नेपाल में जाकर के अपने इंटरनल लोगों के साथ बातचीत कर लेना और जो आपका सजेशन हो वो आप हमें दे देना, जिसको फिर बाद में जो फ्यूचर नेगोशिएशंस में हम उसको डील करेंगे। मतलब आप समझिए कि ये सेटल्ड इशू नहीं है। ये जो चीन ने ये जो ट्वीट किया, ये जो अपना अधिकार दिखाया, वो अधिकार के पीछे ये दलील है कि चूंकि अभी तक ये सेटल नहीं हुआ है, माओ ने कह दिया था कि इसका आधा आधा कर देंगे, इसलिए इस मुद्दे को अभी उठाया गया है। चाइनीज कोई काम ऐसे हवा में नहीं करते, ये नेपाल की सरकार और नेपाल की जनता के लिए ये बात सोचने के लिए है कि चाइनीज लोगों का इंटेंशन क्या है। चूंकि माओ ने कह दिया तो अभी तो पंगू सरकार है वहां पर, माओ के खिलाफ वहां की सरकार की जाने की हिम्मत है क्या? नहीं है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि माओ तो इनके लिए देवता है। उन्होंने कह दिया कि भाई इसको बाद में फ्यूचर सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि नेपाल की सरकार वो मिन्नत करने लग गई कि इससे उनकी जो पूरी किरकिरी हो रही है वो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तब उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में सब कुछ सेम है, लेकिन उसमें उन्होंने लिख दिया ऑन द बॉर्डर ऑफ, आप मार्क कीजिए, नेपाल को जो सरकार को स्वतंत्रता देने के लिए वो अपने गुलाम को बोला भाई ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि ये नेपाल है। इन्होंने कहा ऑन द बॉर्डर ऑफ, माने ये बॉर्डर का हिस्सा है। तो बॉर्डर का हिस्सा मतलब यही है कि ये आधा उधर भी है और आधा इधर भी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये सारी तस्वीरें इसलिए जारी हो रही है क्योंकि वहां चीन एक सर्वे कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि पूरी दुनिया से जो लोग माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं वो किधर से जाते हैं, वो नेपाल होते जाते हैं। तो उन्होंने नेपाल को जो है वो साइडलाइन करने के लिए वो वहाँ पे एक सर्वे कर रहा है कि ताकि जो दुनिया भर के जो लोग जो नेपाल के रास्ते जाते हैं वो चीन के रास्ते से जाए, ये उसका मोटिव है। और इसके लिए तो तभी होगा कि जब आप इस बात को डिक्लेयर करें कि वो माउंट एवरेस्ट चीन का एक अहम हिस्सा है, उसका एक उसके टेरिटरी के अंदर आता है, तभी तो वो वीजा देगा। ये इसको लेकर के नेपाल में बहुत बड़ा रिएक्शन हो रहा है, लेकिन रिएक्शन करके क्या करोगे? नेपाली लोग सोशल मीडिया में बहुत बवाल मचाए हुए हैं, बैक ऑफ चाइना, बैक ऑफ चाइना, अरे बैक ऑफ चाइना कहाँ से बैक ऑफ चाइना,
चाइना के दलालों को अपने माथे पे बिठाए हुए हो, चाइना के दलाल वहां पे जो है सरकार में बैठे हुए हैं, चाइना के लोग जो सारे वामपंथी है जो कल तक बंदूक चला रहे थे उसको तुमने मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, राष्ट्रपति भी जो महिला है वो भी वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की है, आपने कोई कसर छोड़ा है? ये जो सागर माथा को बचाने के लिए, नेपाल को अपना माथा बचाने के लिए, ये बात तो वहां की जनता को पहले सोचना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि नेपाल में जो होता है होने दीजिए, वो उनका अपना प्रॉब्लम है, वो जाने, उनकी नीतियाँ जाने कि जिस तरीके से उन्होंने चाइनीज़ को इनवाइट किया है उसका क्या हश्र होगा अगले 20 साल में। नेपाल रह पाएगा एक स्वतंत्र देश जो आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ, वो भी अपने आप में डाउटफुल है। लेकिन एक सीख है हिंदुस्तान के लोगों को कि ये जो वामपंथी जो तमाशा, ये जो लोग हैं ये अपने देश के नहीं हैं, ये अपने संस्कृति के नहीं हैं, ये अपने इतिहास के नहीं हैं, ये सीधे तौर पर इसको कह सकते हैं कि जो विचारधारा है, जो माओ और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके दलाल और गुलाम बने हुए हैं। तो क्या हमको भी अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, लेह को और ये जो सारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसको क्या सॉल्व करना है, अपनी ज़मीन को अपने साथ हासिल रखना है, या फिर नेपाल की तरह अपना सब कुछ जो है गिरवी रख देना है? ये देश को चिंता करने की आवश्यकता है। एक हिंट नेपाल से मिला है और इसलिए इस देश में जो वामपंथी हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।